फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संजय क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ की जो सिविक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर फोर्थ को डिस्कस करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर फोर्थ, जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्ज़ाम में टोटल ये चैप्टर 7 मार्क्स का आने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जैसे कि आप लोगों को चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, संस्थाओं का कामकाज। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि संस्थाओं का कामकाज मतलब, कामकाज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें किसका मतलब समझना होगा, कामकाज का, ये कामकाज, उसके बाद हम संस्थाओं का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो कामकाज का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग को घर का कामकाज होता है, आपको स्कूल का कामकाज होता है ना, आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, स्कूल का पढ़ना होता है, तो वो क्या है, वो कामकाज ही तो है। और अगर हम दूसरा देखें तो घर का कामकाज जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये क्या है, घर का कामकाज है जो हमें करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, ठीक से बिगड़ जाएगा। अगर खाना नहीं बनेगा तो हम लोग भूखे थोड़ी रहेंगे, खाना हमको मिलना ज़रूरी है ना। इसी तरह जिस तरह हमारे घर का काम काज होता है, उसी तरह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ना, उस देश में भी काम काज बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस देश को अच्छे से चलाना है, देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उस देश को अच्छे से चलाने के लिए काम काज भी उसका अच्छे से होना चाहिए। तो इतना बड़ा देश तो हमारा काफ़ी बड़ा है, घर तो हमारा छोटा सा होता है जिसमें हम एक जना भी मिल करके घर के काम काज को संभाल सकता है। अगर एक जना नहीं तो ज़्यादातर एक या दो जना मिलकर भी घर के काम काज को संभाल सकता है। लेकिन अगर हम देश की बात करें, पूरा देश, आप लोगों को पता ही है पूरा देश हमारा कितना बड़ा होता है, तो पूरे देश को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह हमारे पूरे देश को चलाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पूरे देश को चलाता है, देश को चलाने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती है। जैसे कि हमारा हेल्थ का अलग इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होती है, शिक्षा का अलग संस्था होती है, हमारी स्वास्थ्य का अलग संस्था होती है। तो इस तरह हमारा देश संस्था के रूप में अलग अलग काम करता है, ठीक है। तो अगर अब हम ये समझें कि संस्था का मतलब क्या होता है, तो संस्था का मतलब, तो संस्था ऐसा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो काम है उस काम को टाइम पर करना होता है इसका मोटिव। जो कोई भी संस्था जो होती है उसका मोटिव ये होता है कि बस काम टाइम पर हो, ठीक है। तो उस तरह से संस्था उस बेस पर हमारी काम करती है। और हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे कानून बनते हैं, कैसे सरकार चलती है, और किसी कानून का लेकर कोई विवाद होता है तो कैसे सुलझाया जाता है। और इसके बाद हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, जो एग्ज़ाम्पल आपकी बुक NCERT में भी दिया हुआ है। तो हमारा एग्ज़ाम्पल ये है कि 3 अगस्त 1990 को सरकार एक ऑर्डर पास करती है, ठीक है, जिसमें ऑर्डर में टॉप में एक नंबर होता है। आप लोगों को बुक में भी दिख जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिए, नंबर होता है। और इसमें ना क्या होता है, लिखा होता है कि सरकार इस जो हमारा एक रिपोर्ट जो सरकार पास करती है 1990 में, उसका वो क्यों करती है, उसमें ये लिखा होता है उस रिपोर्ट में कि जो सरकारी नौकरी में 27% जो रिजर्वेशन है वो हमारे सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको दिया जाए, ठीक है, इस रिपोर्ट में ये होता है। तो क्या होता है कि ये रिपोर्ट तो पास हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इसके विरोध में होते हैं तो कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से कोई भी हमारा कानून आता है देश में, तो सब व्यक्ति तो उसके सपोर्ट में नहीं होते, कुछ इसके अगेंस्ट में होते हैं तो कुछ इसके सपोर्ट में होते हैं। तो इसी तरह एक जो हमारा ऑर्डर आया था 1919 में, तो क्या हुआ था कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे। तो इस तरह से
अब हम देखेंगे कि जो ये ऑर्डर है ये कैसे पास हुआ, इसको पास करने में क्या टाइम लगा, क्या प्रोसेस था, कितना समय लगा। तो ये रिपोर्ट कब बना था, ये रिपोर्ट 1979, ये देखो आप लोग को दिख रहा होगा 1979, इसमें 1979 में एक कमीशन बना जिसका नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। मतलब इसका रिपोर्ट का ये उद्देश्य था कि जो बैकवर्ड क्लास के हमारे लोग हैं समाज में, उनको रिजर्वेशन दिया जाए सरकारी नौकरियों में, ठीक है। और जो हमारा ये वाली रिपोर्ट थी उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे हमारे वीपी मंडल, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, उसके अध्यक्ष थे हमारे वीपी मंडल, ठीक है। इसी कारण इस जो हमारा ये रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को क्या कहा गया, मंडल आयोग। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष वीपी मंडल थे, तो इस रिपोर्ट मंडल आयोग कहा गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर जो हमारा ये रिपोर्ट था इसका उद्देश्य भी आपको पता चल ही गया होगा कि जो समाज में हमारे उच्च और निम्न जाति के लोग हैं उनको इक्वालिटी देना, कि उनको काम की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसका मोटिव ये था कि जो हमारे समाज में बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए ताकि वो लोग भी किसी भी तरह से पिछड़े ना। तो मंडल आयोग ने 1980 में रिपोर्ट तैयार की थी जिसका कंक्लूजन ये था कि 27% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए, मिलना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ, इस रिपोर्ट पर तो 4 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये रिपोर्ट 1989 को लोकसभा का जब चुनाव हुआ, वैसे तो ये 1979 में बना, ठीक है, लेकिन 1979 में इसके ऊपर एक रिपोर्ट ही बना था, अभी ध्यान ही दे रहे थे, लेकिन 1980 में इसको तैयार कर दिया गया था। फिर उसके बाद बहुत टाइम तक इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर जब हमारे 1989 में लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ तो क्या हुआ, चुनाव के दौरान एक पार्टी आई थी सामने जिसका नाम था जनता दल, एक पार्टी सामने आई थी जिसका नाम था जनता दल। तो उस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी ने जैसे चुनाव के दौरान बहुत सारी पार्टियां अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें वो लोग ये लिखती है कि चुनाव के बाद हम लोग क्या क्या काम कराएंगे। तो 1989 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला था उस टाइम पे एक पार्टी आई जिसका नाम था जनता दल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनता से कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया काफ़ी टाइम से, हम लोग उस पर ध्यान देंगे और उसको सरकार के पास, सरकार तक लेके जाएंगे इस रिपोर्ट को, और हम लोग इस रिपोर्ट को लागू कराएंगे। तो अगर कोई भी पार्टी जनता को खुश करने की बात कहेगी तो वो जनता सोचेगी कि हाँ हाँ अच्छा काम कर रही है, इनको ही सरकार बनाना चाहिए तभी हमारा ये काम होगा। तो लोगों को अच्छा लगा। फिर जब चुनाव हुआ, जब हमारे इलेक्शन हुए तो उसका रिजल्ट आने पर क्या हुआ, जनता दल जीत जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा घोषणा पत्र जारी करती है जिसमें कि जनता की भलाई के लिए एक मंडल आयोग होता है उसको लागू करने का वो वादा करती है, तो वो जीत जाती है। तो जो हमारी जनता दल की पार्टी का लीडर होता है वीपी सिंह, वो उस जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसने वादा किया होता है कि हमें मंडल आयोग हम लोग पास करेंगे। तो वो जीतने के 2 या 3 दिन के बाद क्या करता है, उस प्रक्रिया में लग जाता है। फिर ये प्रक्रिया क्या होता है, इस प्रक्रिया में 13 अगस्त 1990 में ये कानून लागू होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो वीपी सिंह होते हैं लीडर जनता दल के, वो सिफारिश को लेके जाते हैं। तो फिर 13 अगस्त 1990 में ये कानून हमारा लागू होता है फाइनली। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, तो क्या होता है, तो दंगे होते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, इसको वापस लो। तो इस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। एक तरफ तो हमारे इसके विरोध में पीपल होते हैं और एक तरफ हमारी जज होती है। तो क्या होता है, 1992 में सरकार इसको वैलिड घोषित कर देती है कि मतलब ये ठीक है, लेकिन ना कुछ चेंजेस करती है हमारी सरकार इस रिपोर्ट में, 1993 में इसमें कुछ चेंजेस करके इसको लागू कर देती है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी इस
इस स्टोरी को आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो मोटिव है ये आप लोग को समझना पड़ेगा कि इस जो मैंने स्टोरी सुनाई उसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो ये स्टोरी के पीछे उद्देश्य ये था कि लोकतांत्रिक देश कोई भी हो, लोकतांत्रिक देश उसमें कोई भी कानून को लागू होने में कितना टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि उस कानून पर किसी एक के साइन से वो कानून लागू हो जाता है, नहीं, उस बल्कि उसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और उस पर बहुत सारे व्यक्ति के साइन भी होते हैं तब जाके वो कानून लागू होता है। अगर उसके बाद भी जनता को पसंद नहीं आती तो वो उसके विरोध कर सकती है, उसका विरोध करने के बाद, अगर चेंजेस करने के बाद ही वो कानून लागू होता है। तो इस तरह से कोई भी जो हमारा लॉ होता है, नियम होता है, कानून होता है, उसको पास करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो ये था हमारे स्टोरी का पूरा मोटिव, कि स्टोरी का मोटिव क्या था, ठीक है। तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा संसद। अब हम संसद के बारे में पढ़ते हैं कि संसद का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो संसद क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना होगा। तो जो हमारी संसद है वो भारत की संसद है हमारी, तो ये हमारा जो संसद है उसके बारे में आप लोगों को आर्टिकल 79 में देखने को मिल जाएगा पूरा ब्रीफ में। संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होता है, नागरिकों के द्वारा नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुन देखिए प्रतिनिधि कानून विधि निर्माण का कार्य करते हैं, मतलब प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं संसद में जनता, कौन भेजता है, जनता। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है। और संसद के हमारे दो सदन होते हैं, एक होता है हमारा लोकसभा, सेकंड होता है हमारा राज्यसभा, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि संसद, जो हमारा ये संसद अभी हमने पढ़ा, एक प्लेटफॉर्म है, 1979 आर्टिकल में आप लोग को इसके बारे में देखने को मिल जाएगा। तो संसद का जो मेम्बर होता है वो कौन कौन विकोन व्यक्ति बन सकता है, उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो फर्स्ट तो ये कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। सेकंड ये कि सरकार अंतर्गत वो किसी भी पद पर कार्य न कर रहा हो, मतलब जिससे कि उसको कोई भी सरकारी नौकरी ना हो, ठीक है। दिवालिया ना हो, मतलब पागल ना हो, अगर वो पागल होगा तो कैसे देश हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये तीन योग्यता उस व्यक्ति में होनी चाहिए तभी वो संसद का सदस्य बन सकता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम जो संसद के दो सदन होते हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा लोकसभा, सेकंड है हमारा राज्यसभा। तो हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा जो होता है, लोकसभा के बारे में आप लोग को 81 में देखने को मिल जाएगा, और राज्यसभा के बारे में आप लोग को 80 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। तो हमारा जो लोकसभा है हम वहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, ठीक है। 1954 में लोकसभा को ये नाम दिया गया था, कौन सा नाम, हाउस ऑफ द पीपल। कब दिया गया था, 1954 में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा गया था, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल 1954 में, ये आप लोग को याद करना होगा। फिर उसके बाद जो ये है हमारा लोकसभा, इसको संसद का निम्न सदन भी कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है कि लोकसभा के सदस्य कितने साल तक रह सकते हैं, तो लगभग 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो उनका निर्वाचन कौन करता है, उनका निर्वाचन जनता करती है, मतलब उनका जो प्रत्यक्ष रूप से जनता उनको चुनती है लोकसभा के सदस्य को, सदस्य का निर्वाचन कौन करती है, जनता करती है, ठीक है। और जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको हम लोग लोकसभा का सदस्य, जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर। आप लोगों ने स्पीकर वर्ड सुना होगा, तो स्पीकर क्या होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो लोकसभा है उसकी जो सदस्य की संख्या है, लोकसभा में जो सदस्य की संख्या है वो किस तरह से काम करती है, टोटल कितनी है, और कितने कहाँ से चुने जाते हैं, कितने कहाँ से नहीं चुने जाते, ठीक है। तो हमारी लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, ये रहा 543 + 2, मतलब टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारी 545, ठीक है।
इसमें से क्या होता है, सॉरी 543 जो होता है वो निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, मतलब इनका इलेक्शन जनता करती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसमें से दो होता है वो राष्ट्रपति, जो दो व्यक्ति उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो हमारा दो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और 543 को निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, तो हमारा कितना हो गया 545। तो अब हम देखेंगे कि 543 में कैसे निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 543। इसमें से क्या होता है, 530 होता है 530 वो राज्य से चुने जाते हैं, राज्य से जनता चुनती है। इसके बाद जो हमारा 13 है वो कौन, केंद्र शासित प्रदेश से 13 व्यक्ति का चुनाव होता है। तो इस तरह से हमारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है। देखिए टोटल 545 होते हैं, उसमें से 543 जो है निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, दो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, फिर उसके बाद 543 से जो 530 होते हैं 530 वो राज्यों से चुने जाते हैं, और जो 13 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या का चुनाव कैसे होता है, ये अभी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो लोकसभा है उसके बनने के लिए, कि लोकसभा का सदस्य कौन व्यक्ति बन सकता है, उसके लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो है हमारा कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। सेकंड कि न्यूनतम आयु उसकी 25 वर्ष हो, कितनी 25 वर्ष, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लोकसभा का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा के बारे में देखेंगे और आगे के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।